हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और आपको मैं सिखाने वाला हूं वो है हर जो पेज वाला है हर स्कूल में काम आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि जो हम लोग स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो बनाते हैं किसी भी शॉप में जाके या स्कूल में, हम उसको मेरा जिसको स्टूडेंट का एड्रेस है वो हम प्रोवाइड करवा के अपना जो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड वो बनाते हैं। तो आप इस आइडेंटिटी कार्ड को इजीली घर बैठे ही बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इजीली घर बैठे आप बना सकते हैं। तो कैसे आप इजीली अपना जो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड हो, चाहे वो किसी कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड हो, घर बैठे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको ए टू जेड डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप मैं अपना जो कंप्यूटर है मैं उसमें आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप आइडेंटिटी कार्ड को बनाना चाहते हैं और अपना सीखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक देखेंगे तभी आप आइडेंटिटी कार्ड बना पाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो आपका बेल आइकन है उसे भी अलाउ कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं फिर एक गुजारिश करूंगी, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान, यानी आप सभी को मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं आ चुका हूं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप अपना जो आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए आप अपने मर्जी से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। वो आप अगर आपको जो सॉफ्टवेयर अच्छा लगे आप उसी को यूज़ कीजिए। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें आपका एडोब फोटोशॉप जो 7 है मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो इसलिए आपको इसको ओपन कर लेना है। करने के बाद आपको फाइल में जाना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। तो आप जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड बनाना है तो साइज आप कितना लेंगे, ठीक है, आप साइज को बनाना है तो इसलिए मैं चले जाऊंगी आपका कस्टम पे। कस्टम में जाने के बाद आप इसमें पिक्सल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पिक्सल में जैसे कि आप आई होप कि 300 से आपका हाइट हो जाएगा आपका 180, ठीक है। करने के बाद आप ओके कर लेंगे तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड का साइज है वो आइडेंटिटी कार्ड का साइज वो बन गया है अभी। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे। करने के बाद अगर आप चाहे तो इसको कलर कर सकते हैं या आप वाइट रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको वाइट रखूंगी तो जैसे मुझे स्टाइलिश है जैसे हम उसको उसी स्टाइल में बनाने वाला है। तो इसके लिए हमें यूज करना है शेप को। तो फ्रेंड्स, आपको शायद मेरे जो इस वीडियो में बहुत ही सुनने को प्रॉब्लम हो सकी कि मेरा जो अभी मैं जहाँ सब वीडियो बना रहा हूँ वो शॉप में है और मैं मार्केट में हूँ, तो आपको सुनने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपको एक शेप ले लेना है और आप शेप से आप अभी बनाइएगा, ठीक है। तो मैं एक शेप को ले रहा हूँ, लेने के बाद देखिए मैं अभी इसमें डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है। अगर आपको जैसे कि मैं अभी डिज़ाइन बना रहा हूँ, देखिए आपको कैसे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है स्कूल का जो डिटेल्स है लिखने के लिए हेडिंग्स। तो इसमें मुझे कलर अभी इसमें कलरफुल करना है। कलरफुल करने के लिए मैं अभी इसमें कलर ले लूँगी। तो कलर मुझे अभी जैसे कि मैं इस कलर को चूज़ करता हूँ और मैं अभी फिल करने वाला हूँ। तो अभी मैं इसको थोड़ा वेट, ठीक है। तो देखिए कलर को देखिए, कलर लेने के बाद आप इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, अपना मर्जी से। तो देखिए जो डिज़ाइन है वो बन रहा है। तो देखिए अभी इस तरह से मैं जो डिज़ाइन है मैं उसको अभी बना चुका हूँ, इसको ऐड भी कर चुका हूँ। करने के बाद अभी आपको नीचे का जो पोर्शन बनाना है, ठीक है, नीचे का जो सिस्टम है
तो मैं पहले इसका बॉडी बना लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको ए टू जेड बनाने वाला हूँ। तो अभी बॉडी को बनाने के लिए फिजिक्स शेप लेना है मुझे, तो इसमें लिए मैं इस तरह शेप ले लूँगी। लेने के बाद मैं इसके कलर भी सेम का रखना सेम रखने वाला हूँ। तो आपको जैसे आपको जैसा आपका शेप पसंद आप उसी तरह से आप बना लीजिए, क्योंकि मैं अभी मुझे जितना पसंद है मैं उसी तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऐसा ही नहीं कि जो मेरा सिस्टम से यानी मुझे जो पसंद है आपको उसी सिस्टम से बनाना है, तो वो आपका मर्जी। ठीक है, आप चाहे तो आप अपना मर्जी से बनाइए, तो मैं अपना मर्जी से बना रहा हूँ, आप भी अपना मर्जी से बनाइए। ठीक है, तो देखिए अभी मेरा जो बॉडी है वो सेट हो चुका है। तो अभी हमको बनाना क्या है, आपको जैसे फोटो रखने का प्लेस बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फोटोज का जो शेप है हम उसको एक रेक्टेंगल वाई यानी आपका जो साइज है उसमें हम ले लेंगे। ठीक है, हम उसमें हम ले लेंगे। और देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं देखिए की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो शेप्स है वो आप इजीली बना लीजिएगा, आपको जितना जो चाहिए। देखिए मैं फोटो लगाने के लिए, देखिए जो फोटो लगाने के लिए होता है ना, ठीक है, मैं इस तरह से बना के इसको ऐड कर देता हूँ। तो मेरा फोटो लगाने के जो सिस्टम है वो हो गया। और अभी हमको इसमें बनाना है नाम, डिटेल्स यानी नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चाहे तो इसमें लाइन क्रॉस भी बना सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। और तो मैं इसमें बनाना नहीं चाहूँगी, तो इसमें जैसे नाम वगैरह पहले हम स्कूल का नाम देते हैं। देखो जैसे कि स्कूल का हम नाम अगर डाले तो मेरे स्कूल का नाम है, हम उसी थोड़ा तो इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे कि देखिए स्कूल्स का नाम, जैसे हम इसको कलर चॉइस कर लेते हैं, पहले वाइट रखेंगे। ठीक है, वाइट रखेंगे, तो इसका जो सिस्टम है बहुत अच्छा नहीं है, हम उसको चेंज कर देते हैं। देखिए तो देखिए हम जैसे कि स्कूल का नाम लिखे हम CH, अभी भी साइज इसका नॉइज बहुत है, आपको सुनने में शायद बहुत ही दिक्कत होगा, तो मगर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो देखिए हम लिखने की कोशिश करें, देखिए चोपड़ा हाई स्कूल। देखिए चोपड़ा हाई स्कूल लिखने के बाद हम इसमें थोड़ा इसमें एडजस्ट कर लेंगे, आपको ठीक राइट कहाँ पे रखना है, आपको ठीक काउंटर में कहाँ, आपको ठीक राइट कहाँ पे रखना है, आपको वो सिलेक्शन कर लेना है। देखिए मैं इसमें सिलेक्शन कर लिए। ठीक है, करने के बाद इसमें मैं आप इंटर कर लेता हूँ, और आप चाहे तो इसका जो बॉर्डर साइड का बॉर्डर है वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो बॉर्डर है हमने लगा दिया, और मेरे जो भी इस आइडेंटिटी कार्ड का जो यानी ईस्ट जो साल कुछ एड्रेस वगैरह लिखना है तो हम इसमें नीचे लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं आपको बताने के लिए सिखाने के लिए जल्दी से जल्द कर रहा हूँ, तो आप एड्रेस वगैरह इसमें लिख दीजिएगा आपका आप जैसे। तो उसके बाद आप इसमें लिखेंगे नेम, नेम वगैरह ना, तो देखिए आपको नेम वगैरह लिखने के लिए देखिए इसमें आप देखिए मैं जैसे टाइप करूँ नेम, स्टूडेंट नेम डालना है इसमें, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, बाद में हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है स्टूडेंट नेम इसमें क्लास, फादर नेम सॉरी इसमें आपको फादर्स नेम। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा क्लास, क्लास ठीक है, डालने के बाद आपका हो गया सेक्शन, तो सेक्शन, उसके बाद आपका रोल नंबर। तो इस तरह से आप जितना आपका डिटेल्स चाहिए तो इसको आप एडजस्टेबल करने के लिए आपको चले जाना है आपका मोबाइल का जो
टूल प्रेफर्ड्स में और एक्शन सॉरी, तो आप इसी से कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दोस्तों, आप और को सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करके आप जो साइज है वो थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, तो मैं छोटा इससे कर रहा हूँ आपका देखिए 5, तो और भी छोटा करना है हमको, इसलिए हमको इसमें साइज करना है आपको 2, देखिए 2 से छोटा हो गया बहुत, तो उसमें 4 कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो फिर भी बहुत ही छोटा हो गया, तो इसको हम थोड़ा और भी एडजस्टेबल करने के लिए इसको हम 3 में करते हैं, तो करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करके आप इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन दीजिएगा और आपका जो स्टूडेंट का नेम वगैरह है वो आप इसी साइड में डाल पाएगा, ठीक है, साइड में आपको डाल दीजिएगा और फोटो वगैरह लगा दीजिएगा, ठीक है, और आपका नीचे एड्रेस वगैरह हो गया सब कुछ वो आप इस तरह से लगा दीजिएगा, और फोटो को इसमें आप ऐड कर ही सकते हैं इजीली, एड्रेस को नीचे आप दे सकते हैं। और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला जो है बार कोड, एक स्टूडेंट का बार कोड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको अगर आपके कंप्यूटर में दिखना होगा कि आपका जो बार कोड का ऑप्शन है या नहीं, तो देखिए मेरा बार कोड का जो ऑप्शन है नहीं है अभी बार कोड का, तो इस तरह से कभी किसी किसी कंप्यूटर में होता है आपको बार कोड बनाने के लिए, मगर आपको बार कोड का बनाना है आपको, तो बार कोड बनाने के लिए आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रहता है आप उसी तरह बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा आपको सिखाने के लिए छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो को अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।